blah 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 blah. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अपकरा शौकत। और यार, वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि वीडियो का कंटेंट क्या होगा। लेकिन अब मेरे पास दो तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करने के। या तो मैं अपनी पुरानी जर्नी से बताऊं कि फोटोग्राफी मेरा बचपन से पैशन था तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर मैं डायरेक्ट इवेंट पर जंप मार दूँ। डायरेक्ट इवेंट पर जंप मार देती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा करना है ना, तो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और जितनी खुश मैं अभी हूँ, मेरी खुशी को और बढ़ा दें थोड़ा सा और सब्सक्राइब कर लें या फिर ये वीडियो लाइक कर लें। थैंक यू। फर्स्ट एवर फोटोग्राफी एग्जीबिशन का मौजू था अक्सर सिंध और वेन्यू था लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी। ऑर्गेनाइजर सिंध गवर्नमेंट थी जबकि क्यूरेटर महरीन हाशमी। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स में से सिर्फ 33 फोटोग्राफर सिलेक्ट हुए थे अपने पोर्टफोलियो के बेस पर। खैर, अब जब हेडलाइंस हो गई हैं तो इवेंट घूम लेते हैं। आर्किटेक्चर क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इंग्रेविंग्स ना एंड है यार। प्रॉबली मेरी सबसे फेवरेट वाली पिक्चर ये थी। वैसे गाइस, आयशा मुझसे, ये आयशा मुझसे पूछ रही है कि ये वाली जगह कौन सी है। ये जगह एक दफ़ा मेरी वीडियो में आ चुकी है। शर्म करो आयशा, शर्म करो। हाय हमदान, हमदान बीइंग क्यूट लाइक ही इज। हियर इज द थिंग, पता है व्हाट फोटोग्राफी एग्जीबिशन रियली लाइक अ वॉक इन इंस्टाग्राम, एक्सेप्ट यू कांट रियली डबल टैप द पिक्चर एंड लाइक इट। वैसे नॉट गोना लाई, अपना नाम देखकर जो इतनी खुशी हो रही थी ना, इतने सारे सारे सीनियर फोटोग्राफर्स के दरमियान में अपना नाम, प्लस उफ क्या खुशी थी अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम से बाहर एक्चुअल वॉल पर देखते हुए, मतलब वाओ। एंड द हाईलाइट वाज कि मैंने एक टीवी इंटरव्यू भी दिया। इवन दो इट वॉज वेरी ऑकवर्ड टू सी द लीस्ट, लाइक उन आंटी के पास जो इंटरव्यू हुई थी बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस थे। मुझसे पूछती हैं कि आपकी जो ये पिक्चर्स हैं इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। यार मेरे ख्याल से आपने, मैंने, सब ने आज तक के ना सनसेट की फोटोग्राफी की होगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनके सनसेट प्यारा है। कौन कौन सोचते हैं कि सनसेट की फोटोग्राफी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा। लेकिन मैंने भी तो ऑन द पॉइंट एक मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया अपनी तरफ से। मैंने बोला ये दिखा रहा है कि ना एक सूरज गुरूप हो रहा है, तो फिर इट्स अ गारंटी ऑफ अ न्यू डे, और सूरज गुरूप होने का मतलब है कि कभी ना कभी सूरज वापस उभरेगा, और पता नहीं क्या क्या लंबी कर दी मैंने। आंटी इंप्रेस हो गई, फिर बोलती हैं आप सिर्फ सनसेट फोटोग्राफी करती हैं। सनसेट फोटोग्राफी खाली, मतलब इमेजिन करो कौन सा ऐसा फोटोग्राफर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ हर रोज आधे घंटे के लिए कैमरा रेडी करता होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सनसेट की ही तस्वीर खींचता हूँ। व्हाट? खैर, हकीकत यह है कि मुझे गुरूब आफ्ताब की सिर्फ और सिर्फ अक्स बंदी ही नहीं पसंद, बल्कि फिल्म बंदी भी पसंद है, जिसका सबूत मेरी तरफ से शूट की गई ये वीडियो है। वैसे वीडियो इररेलेवेंट है, इसलिए अगर देखने का मूड नहीं हो तो स्किप मार लो, मसला नहीं है। खैर है,
मैं कोई भी पोजीशन नहीं जीती। लेकिन ऑनेस्टली जब मैंने अप्लाई किया था ना, तब मुझे पता भी नहीं था कि कंपटीशन है। तो और खैर इतने सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स थे कि आई एम हैप्पी कि आई गॉट इवन सिलेक्टेड। और दूसरे इतने ज़्यादा डिजर्व करते हैं जीतना, क्योंकि दे वर एक्चुअल फोटोग्राफर्स। मुझे तो इम्पोस्टर फीलिंग आ रही थी, कंसिडरिंग आई एम बिटवीन यू एंड मी, आई एम नॉट अ रियल फोटोग्राफर। मैंने कभी पढ़ी नहीं है फोटोग्राफी, तो नॉट अ रियल वन द। तो इसीलिए आई वॉज फाइन। लेकिन खैर एक शेर अर्ज है कि ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्या। आरजू है मौज के साहिल से टकराने का नाम। शुक्रिया शुक्रिया। खैर इसका एक्चुअल मतलब है कि जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं रख सकते ना, तब तक आपको कामयाबी की आरजू भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। फेलियर मोटिवेशनल स्पीच अलर्ट। नहीं मैं सोच रही हूँ मैं गूगल करके देखूँ क्लीशे फेलियर कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम फॉर माय नेक्स्ट पोस्ट। सो डू कैच माय नेक्स्ट पोस्ट इन माय इंस्टाग्राम। ओके थैंक यू एंड डू फॉलो मी देयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन फ्यू डेज। बाय बाय।